हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है पोटैटो पैनकेक्स। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके लिए मैंने दो आलू ले लिए हैं, उनको कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें एक कटोरी आटा डाल दूँगी। फिर इसके बाद हमने जो आलू तैयार किया है उसको इसमें डाल देंगे। मैंने आलू को पानी नहीं छोड़ा है, इसको ऐसे ही यूज़ किया है। अब हम इसके बाद ग्रीन चिली ऐड करेंगे। इसके बाद हम कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे इसमें। इसके बाद हम इसमें अपना रेड चिली पाउडर यूज़ करेंगे। रेड चिली पाउडर डालने के बाद हम इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें आधा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे। अब हम ऐड करेंगे इसमें जीरा, जो मेन इंग्रेडिएंट है पोटैटो पैनकेक का। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें मैं पानी डालूंगी। इसको अच्छी तरह पानी डालने के बाद मिक्स करेंगे। मैं सोच रही हूँ कि अब हम सीरीज़ बनाएं ब्रेकफास्ट की। आज मंडे हैं, मंडे टू संडे आप मुझे डिफरेंट रेसिपीज सजेस्ट करना, जो आपको खानी हो वो बनाऊंगी, ट्राई करूंगी बनाने का। उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसको 10 मिनट तक रेस्ट करने रख दूंगी। ये देखिए इस कंसिस्टेंसी का हो जाएगा ये। अभी मैं दिखाऊंगी आपको। मैंने नॉनस्टिक का तवा रख लिया है, इसमें मैं ऑयल लगा दूंगी। ऑयल लगाने के बाद अब हम इन्हें बनाएंगे। ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी रखना है इसकी, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। चलो बनाते हैं। एक चम्मच मैंने ले लिया है भर के। अब इसको हल्के हाथों से स्प्रेड करना है और बिल्कुल चम्मच को उठाना नहीं है। इसी तरह फ्लैट करके इसको बनाना है। ये देखिए बन गया है। अब मैं तेल डाल दूंगी साइड से। इसको एकदम से नहीं उठाना, पहले किनारे इसके चेक करना है साइड से हट गया है, नहीं तो टूट जाएगा। पहले मैंने इसके किनारे हटा लिए हैं। अब इसको एक और बार चेक किया, पलट दिया। देखिए कितना सुंदर क्रिस्पी दिख रहा है और आलू का एक एक रेसा दिख रहा है इसमें। चलिए अब हम इसको एक और बार पलटते हैं और ऑयल लगा देंगे इसमें थोड़ा समय। देखिए मैंने इसको पलटा, इस साइड से पूरी तरह से सिक चुका है। दूसरी साइड, दूसरी लेयर रह गई है जो हम इसको सेक लेंगे। पोटैटो पैनकेक्स बनकर तैयार हैं। इन्हें धनिया की चटनी के साथ और सॉस के साथ खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।